नमस्कार। अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि पृथ्वी से 429 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 नवंबर का दिन दोपहर को दो अंतरिक्षिया जैस्मिन मॉड बेली और लॉरेल और होरा ये दोनों स्पेस वॉक कर रहे हैं और इस दौरान में वो वहां जो सोलर पैनल लगे होते हैं उसके बैरिंग को चेंज करने के लिए 6 घंटे 42 मिनट की स्पेस वॉक के दौरान जब वो वापस अपने स्पेस स्टेशन में आने लगे तो उन्हें एहसास हुआ कि टूल बैग तो गायब है, उनके हाथ से छूट। जब इस तरह की घटना घटती है तो एक कचरे में वो टूल बैग भी शामिल हो जाता है क्योंकि उस टूल बैग को कभी भी पकड़ा नहीं जा सकता। हाँ, ट्रैक किया जा सकता है और फिर वो धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में वापस आता है और फिर वो कहीं ना कहीं गिर जाता है। ये जरा खतरा जरूर है कि अगर वो किसी आबादी के ऊपर गिरा तो एक गोले की तरह लगेगा, उस आबादी को नष्ट कर देगा। और ये घटना पहली बार कोई नहीं हुई। अगर हम बात करें कि कब कब ऐसा हुआ हादसा, तो हम बात करें सबसे पहले हादसे की। 1965 में सबसे पहले यह हादसा हुआ था, जब 1965 में पहला हादसा हुआ था जब ईडी वाइट स्पेयर ग्लोव उनके जो ग्लव्स हैं वो स्पेस में रह गया था क्योंकि वो जो जंक है जो वेस्टेज था उसको अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए जा रहे थे और उसी के साथ में उसका ग्लव्स भी वहां निकल गया स्पेस ग्लव्स। खैर, जैसे तैसे करके वो वापस बच गई जान, लेकिन वो वापस आ गया। अब उसके बात करें 2006 में हमने स्पेयर बोल्ट, एक बोल्ट जो है वो स्पेस में छूट गया। ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो यानी कि 2065 में हुआ, 1965 में हुआ, 2006 में हुआ और 2006 के बाद फिर आप आ जाइए 2008 में। 18 नवंबर 2008 को हाइड स्टेनली साइड पाइपर के हाथ से सामान छूट गया, टूल बैग छूट गया और फिर उसके कुछ ही दिन बाद 12 जनवरी 2009 को फिर एक घटना घटी और फिर वहां पर सामान छूट गया। इस तरीके से उसके बाद फिर 2017 में हुई ये घटना। 2017 में डेब्रिस शील्ड एक छूट गई एस्ट्रोनॉट से। तो इस तरह की ये घटनाएं घटती रही, खाली एक नहीं है। और जब जब धीरे 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 इसके अंदर, क्योंकि जीपीएस हर सिस्टम में एक जीपीएस सिस्टम लगा रहता है, पता रहता है कौन सा टूल कहाँ गिरा होगा, तो हम पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे वो पृथ्वी की इंटरनल कक्षा से आते 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 अंदर समा जाता है। और ज्यादातर ये टूल बैग्स एलॉय स्टील के बने होते हैं जो कि जल नहीं पाते। ये भी एक समस्या है, अगर वो जल जाए, जैसे ग्लव्स है जल गया खत्म हो गया, लोहे का बना है जल गया खत्म हो गया, लेकिन यदि एलॉय स्टील का बना हुआ टूल बैग है तो वो गोले की तरह पृथ्वी की तरफ आता है। पहली बार जब आया था 2008 में, उस दौरान में ये कहना चाहिए कि समुद्र में जाके गिरा था और उसे कई सारी वेबसाइट ट्रैक भी कर रही थी, लगातार लाइव भी कर रही थी। कई बार भारत के ऊपर से भी गुजरा, अपने मेरठ के ऊपर से भी और दिल्ली के आसपास से भी गुजरा। तो ऐसे में डर लगा रहता है कि अगर वो इंटरनल कक्षा में आ गया तो किसी आबादी को नुकसान ना पहुंचा जाए। तो ऐसे रिस्क तो होते रहेंगे जिंदगी भर। अभी तक हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ इसका, लेकिन कभी भी ऐसा हो सकता है। हाँ, ये जो 1 नवंबर की घटना लेटेस्ट वाली जो टूल बैग है, ये सफेद रंग का है और चमकदार है। लगातार इसकी वीडियो भी आ रही है, लोग अपने यहां से बैनाकुलर से भी देख रहे हैं, इसको टेलीस्कोप से भी देख रहे हैं और इसकी वीडियो बना बनाकर अर्थ स्काई पर डाल रहे हैं ताकि लोग अपडेट होते रहे कि हाँ हमने भी देख लिया, जमीन से भी दिख रहा है वो और स्पेस से भी दिख रहा है। तो अभी बैलेंस्ड में है, अभी खतरे वाला नहीं है, लेकिन कुछ महीने बाद जब वो धीरे से पृथ्वी की इंटरनल कक्षा में आएगा, अंतरिक्ष कक्षा में आएगा और जब वो थ्रस्ट के साथ पूरी आग के साथ वो जलेगा तो नुकसान भी पहुंचा सकता है। ना, काश ऐसा ना हो, वो समुद्र में ही गिर जाए तो बेहतर रहेगा।
किसके आसमान से कब उड़ रहा होगा, ये भी सब वेबसाइट्स बता रही हैं, अर्थ स्काई भी बता रही है, और अर्थ स्काई पर दुनिया भर के लोग उसका डाटा अपडेट करके लगातार डाल भी रहे हैं। तो मजेदार जानकारी के साथ साथ में ये एक खतरनाक जानकारी भी है जो खतरे का एहसास भी कराती है। तो सावधान भी रहना है, सतर्क भी रहना है, और ऐसी साइंटिफिक एलॉय स्टील की होने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। अगर ये एलॉय स्टील का नहीं होता तो जैसे ही पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में आता तो जल के राख हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, हम खतरे तो उठाते ही हैं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया और नासा जैसे लोग खतरों के खिलाड़ी तो हैं ही।